बहुत दिन हो गए मैं और मोहन बाहर नहीं गए। आज बोलती हूँ उनको बाहर चलने के लिए। मोहन सुनो सुनो ना, अरे क्या है? मैं कह रही थी बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, आज चलें? अरे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है मुझे। चलो ना, अरे और किसी दिन चल पड़ेंगे ना। तुम्हारे पास तो कभी टाइम नहीं रहता। मेरी जीजू को देखो, हर वीकेंड दीदी को घुमाने लेके जाते हैं। तुम्हारे जीजू की तरह काम नहीं है मेरा कि जब उठे और चल दिए घूमने के लिए। चाहे कुछ भी हो, तुमसे तो लाख गुना अच्छे हैं। अच्छा तुम अब बहस शुरू मत करो, तुम्हें लंच देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। मुझे रोज की तरह ऑफिस लेट नहीं होना है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमेशा तुम मेरी वजह से लेट होते हो? अरे तुम भी अब कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे सब समझ आता है, तुम कब और क्या करना चाहते हो। देखो अब बहस शुरू मत करो, तुम्हारी इस बहस के कारण मेरा पूरा दिन खराब जाता है। वाह, बहस खुद करते हो और इल्जाम खुद पे थोप देते हो। अब बस करो इतानसी, अब तुम्हारे मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलना चाहिए। और सुनो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं करती हूँ बहस, खुद बहस शुरू करते हैं और जब बर्दाश्त नहीं होता तो मुझ पे चिल्ला के चले जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा करती हूँ, दीदी को फोन करती हूँ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। हेलो। हेलो, हाय तांची, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा हाँ सुन, मैंने बताया था ना, इस संडे मैं और तेरे जीजू मूवी देखने जा रहे हैं, तू चल रही है ना मोहन के साथ? दीदी मैंने सुबह उनसे बात करने की कोशिश तो की थी, लेकिन क्या? लेकिन देख, अगर तू नहीं गई ना तो जिंदगी में मुझसे ना मिलियो और ना ही कभी बात करियो। दीदी आप ऐसे करो ना, आप मोहन को फोन करके बोलो ना, क्या पता आपके कहने पे वो मान जाए। चल ठीक है, करती हूँ। ठीक है दीदी। पता नहीं मोहन दीदी की बात भी मानेंगे या नहीं। अरे आज दीदी कहीं तांसी ने आज सुबह की बात नहीं बता दी उन्हें? उठाऊं कि नहीं उठाऊं? हेलो आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और मोहन जी क्या हाल है? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप और जीजा जी कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। अच्छा सुनो, इस संडे मूवी देखने जा रहे हैं और तुम भी चल रहे हो ना साथ? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं अरे इसमें क्या कोशिश करना, जब पूछो बिजी रहते हो, अब संडे भी तुम्हें काम ही दिखता है क्या? अरे दीदी मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा ठीक है, मैं बॉस से बात करता हूँ। ये हुई ना बात, चलो ठीक है, मैं तांची को इस बारे में बता देती हूँ। ओके बाय बाय। चलो इसी बहाने तांची का भी मन बहल जाएगा, सुबह भी बहुत कह रही थी कि मूवी देखने जाना। टाइम हो गया, ला जाए। बॉस से पूछा ही नहीं, कब छुट्टी के लिए पूछ ले। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मोहन, कैसे हो? जी मैं बहुत बढ़िया। कैसे किया फोन, कोई काम है क्या? जी वो मुझे कल की छुट्टी चाहिए थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जी थैंक यू सर। ओके बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ।
ये लीजिए पानी। तो आखिरकार आप मान गए, आप थोड़ी बहुत हो तो स्वीट, तुम भी थोड़ी सी तो स्वीट हो ही। गुड इवनिंग सर। हाँ मोहन, तुम्हें वो ना संडे की लीव कैंसिल करनी पड़ेगी यार, वो किसी बड़े क्लाइंट की मीटिंग फिक्स हुई है, तो उसमें तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। ओके डन 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 सर। क्या हुआ, क्यों कॉल कर रहे तुम्हारे बॉस? सो सॉरी हितांशी, इस संडे मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। वो तो मैं जानती ही थी, तुम इस बार भी कोई ना कोई नया बहाना बना ही लोगे। लो आगे तुम्हारा काम। अरे भला इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारे बॉस ने जो बोला उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। तो क्या करता, मना कर देता कि नहीं सॉरी बॉस, आप किसी और मैनेजर का रख लो। देखो मोहन, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, एटलीस्ट तुम अपने बॉस से पूछ तो सकते थे छुट्टी के लिए, लेकिन तुमने सीधा हाँ कर दी। अब मेरा नहीं तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, ये दिन रात की तू तू मैं सहना मत थक चुका हूँ, जब देखो तब कलेश ही करती रहती हो। कलेश मैं कलेश करते हो। सटा पितांसी, अब तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगी। क्या कर लोगे तुम? पहले तो कलेश खुद शुरू करते हो और जब सहन नहीं होता तब मुझे चुप कराते हो। बस पितांसी, बिल्कुल चुप। नहीं, मैं आज चुप नहीं रहूंगी। पितांसी, तुमने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। तुमने अपनी असलियत दिखाई थी, ठीक है तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना ना, तुम मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। अच्छा तुम्हें डिवोर्स का बहुत शौक है ना, तो सुबह तैयार रहना, सुबह के सुबह ही मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ डिवोर्स के लिए। अरे आओ बैठो। नहीं मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ बाइक पे। कैसे हो धर्म भाई? और मोहन जी कैसे हैं आप? बढ़िया। और भाभी जी आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। बैठिए, बहुत बढ़िया। और मोहन भैया भाभी जी कैसे आना हुआ आप लोगों का? सर हमें डाइवोर्स चाहिए। क्या भाभी जी, सुबह सुबह मैं ही मिला था आपको मजाक करने के लिए, आप भी ना। नहीं ये मजाक नहीं है धर्म, हमें सच में तलाक चाहिए। मोहन भाई देखो घर में छोटी मोटी बहस होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे। भाभी जी आप ही बताओ, एक घर में कई बर्तन एक साथ होते तो क्या आवाज नहीं करते हैं? इसका मतलब क्या है, आप बर्तन उठा के घर से बाहर फेंक दोगे? नहीं अब ये पहले जैसे नहीं रहे, अब मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती, बस हमें डाइवोर्स चाहिए। तुम भी पहले जैसी नहीं रही, अगर हम तुम कागजात तैयार करो, मुझे इससे अभी छुटकारा चाहिए। मेरे बारे में एक भी वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे इससे अभी छुटकारा चाहिए क्योंकि ये इसने मुझे परेशान कर रखा है। परेशान तो तुमने मुझे कर दिया है, समझे? कौन बहस की शुरुआत करता है? तुम करते हो। नहीं तुम करती हो। तुम करते हो। नहीं तुम करती हो। तुमसे बहस करना ही बेकार, मुझे तलाक दे। अरे बस आप लोग यहाँ मत शुरू हो जाओ, मैं आपके डाइवोर्स के पेपर तैयार करता हूँ। क्रेश इधर आना। जी सर। ऐसा है डाइवोर्स का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी करो। ओके सर। सर एक बार फिर से आप दोनों सोच लो और सोच समझ के ही साइन करना। सर मैंने सोच लिया। मैंने भी सोच लिया।
पेन दीजिए। चलिए ठीक है, जैसी आप दोनों की इच्छा। अगली बार आप दोनों को कोर्ट में पेश होना होगा। तो क्या अब हमें अलग अलग रहना होगा? वो तो आप दोनों की मर्जी है। 6 महीने का समय है आपके पास, आप साथ रहना चाहो तो साथ रह लो, और अलग होना चाहो तो अलग हो जाना। ठीक है धर्म, वो तुम्हारी फीस? अरे वो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सर ये फाइल मैं कोर्ट में फॉरवर्ड कर देता हूँ फिर। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों सर? इन दोनों को देखते ही मैंने उनके बीच के प्यार का अंदाजा लगा लिया। ये दोनों एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। आपने कहा तो सर ठीक ही होगा फिर। अच्छा जाओ, तुम अपना काम करो। ओके सर। अच्छा सुनो हितांशी, अगर तुम घर में रहना चाहो तो रह सकती हो। नहीं, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। देखो मेरा काम कहने का था, मैंने कह दिया, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे क्या हुआ? देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मुझे कोई बात नहीं। अरे देख तो सही, देख। I love you। अच्छा जी, इतने टाइम कैसे लग गया? क्या करूँ, इतने हसीन फूल के लिए वैसा हसीन फूल ढूंढना भी तो बड़ी मुश्किल का काम है। अच्छा जी। बिल्कुल। इतना प्यार कब से? जब से जन्म लिया है, तुम्हें प्यार करने के लिए ही तो लिया है। बस बस रहने दो, ज्यादा फेंको मत। सच में मैंने तो पता है फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी है, हम दोनों शादी कर लेंगे और हमारा अपना घर होगा, हम उसमें रहेंगे और बड़े प्यार से, पता है हम है ना कभी झगड़ेंगे नहीं, कभी लड़ाई नहीं, जैसे हम दूसरों को देखते ना बिल्कुल भी नहीं, हम आपस में बड़े प्यार से रहेंगे। अच्छा जी। और क्या, चलो देखते हैं। ऐसा करना ना, तू काम कर लेना और मैं घर के काम कर लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बाहर जॉब पे जाऊंगी और तुम झाड़ पोछा मारना, ठीक है? बस इतना ही। चुभी। वैसे सही बताऊं, जब भी सोचता हूँ ना बहुत खुशी होती है इस चीज सोच के। नहीं हाँ बात तो सही है, हम दोनों शादी के बाद कितने खुश रहेंगे ना, हम दोनों मिल बांट के काम करेंगे, एकदम अच्छे से रहेंगे हम। मैंने गुस्से में क्या क्या नहीं बोल दिया, और गुस्से में मैंने डाइवोर्स पेपर में भी साइन कर दिए। नहीं
मैं हितांशी के बिना नहीं रह सकता। अभी तो 4 बजे, अभी हितांशी घर पर ही होगी। मैं घर के लिए निकलता हूँ। राहुल को बता देता हूँ। राहुल, राहुल इधर आओ जल्दी। सुनो, मुझे अर्जेंट काम है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? तब तक तुम काम संभाल लेना मेरे पीछे। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बस बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, सब कुछ संभाल लेना आराम से, ठीक है? और बॉस आए तो कह देना कि चले गए सर, ठीक है? ओके। काश मुझे मोहन आज घर से जाने से रोक ले, मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। लेकिन लेकिन ये बात मैं कैसे समझाऊं उनको? नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो हमने डाइवोर्स के पेपर पे भी साइन कर दिया है। I love you, Mohan. I love you. लगता है मोहन नहीं आएंगे। मैं गलत ही उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे अब चले जाना चाहिए, रुक कर मेरा कोई फायदा नहीं है। हितांशी, हितांशी, सॉरी हितांशी, अब तक जो कुछ भी हुआ इसके लिए सॉरी। मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। नहीं मोहन, नहीं, तुम सॉरी मत बोलो मोहन। सारी गलती मेरे ही थी। मुझे भी डाइवोर्स नहीं चाहिए मोहन। मैं तुम्हारे बिना एक लम्हा नहीं रह सकती। मैं कभी नहीं। तुम अभी अखिल को फोन करो और उसे मना करो, जल्दी। मैं अभी करता हूँ। हेलो, हेलो। हाँ मोहन जी, बोलिए। भाई हमें डाइवोर्स नहीं करना। ओके मोहन जी, ठीक है। अब खुश हितांशी, अब मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आने दूंगा। तो इस संडे मूवी पक्का? अरे हाँ पक्का। मैं अभी बॉस को ना मना कर देता हूँ संडे के लिए, ठीक है? नहीं नहीं, इस संडे तुम्हारी जरूरी मीटिंग है, मना मत करो। अरे छोड़ो भी। हाँ मोहन, बोलो। सर, मैं संडे की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, सॉरी। क्या हुआ मोहन, कोई जरूरी काम है? वो मुझे अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने जाना है। कोई नहीं मोहन, इट्स ओके। ओके, थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं मोहन, फैमिली को टाइम देना भी जरूरी है। ओके, थैंक यू सर, बाय। देखा, तुम्हारे बॉस भी समझते हैं सारी बातों को। तुम फिर शुरू हो गई। वैसे मोहन, जो कुछ भी हुआ ना, हाँ, इसमें दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। दीदी का? वो कैसे? तुम्हें फोन करने के बाद उन्हें मुझे फोन किया और बोला। क्या बोला? उसने बोला कि मोहन आज तुझे आकर मना कर देना तो उसे तलाक की धमकी दे दी। फिर क्या बोला तुमने? फिर मैंने बोला कि दीदी, अगर मोहन ने गुस्से में आकर मुझे सच में तलाक दे दिया तू, तो उसने बोला कि तो क्या हो गया, दे दियो उसको तलाक, उसके जैसे तुझे हजारों मिल जाएंगे। और तुम उनकी बातों में फंस गई? तुम कितनी भोली हो हितांशी। मैं तो उसको शुरू से ही जानता था, उसको दूसरों का घर तोड़ने में बड़ा मजा आता है। सॉरी मोहन। अरे इट्स ओके हितांशी। अच्छा छोड़ो, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ,
हम दोनों आज डिनर के लिए चलते हैं। मोहन तुम बिल्कुल नहीं बदले और तुम भी नहीं।